कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है किटो ब्लॉग्स के चैनल पे। तो दोस्तों ये शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे बाबू का मिज्जू हो गया है और मैं चलती हूँ पूरे घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। देख रहे हैं मिज्जू होने के बाद फिर कैसे रो रहा है, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखो नानी इनकी मिज्जू कर रही है और ये रो रहे हैं। ऐसे ही रोते हैं। मैं बोली इनको शाम को इनका पैंट पहनाऊंगी। टोपी दो। टोपी? हाँ। अभी तो इतना पहना ही नहीं, वगैरह अंदर रखोगे ना, बाहर थोड़ी ना रखेंगे, अंदर हवा नहीं आ रहा है। थोड़ा प्रकृति का हवा ले ले दो। हाँ चलो बैठ ही रहता हूँ वहीं पे, तब तक मैं इधर साफ सफाई कर लूँ। नहीं दूध मैं पिलाना मम्मी का, काफी देर का है वो। ये तो नहीं से दूध दो, एक पीस है। ठीक है ठीक है थोड़ा सा। ये बेड वेड सब सही करेंगे और इधर किचन वगैरह थोड़ा साफ सफाई कर लेंगे, फिर ब्लॉग में बने रहिएगा। और आज नवरात्र का पहला दिन है तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करें, सबकी रक्षा करें, सबका कल्याण करें, सब। हाँ क्यों सो रहा है? तो अच्छा मैं बर्तन वगैरह भी धुल लेती हूँ, बर्तन वगैरह रखा सकते सब धुल लेते हैं, फिर हम उसे कुछ दिन मिलते हैं। बात कर रही है और मम्मी बात कर रही है बड़ी दीदी से, और यहाँ पे मैं बीने भाई कोमल भाई भाभी का ब्लॉग देख रही हूँ, और यहाँ पे मेरा बेबी सो गया है। लाइट जल रहा है क्या मेरे मोबाइल में? लाइट जल रहा है, सॉरी गाइस। और ये उठ के रोने लगे, वो पापा बाबा 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 मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बच्चा मेरा सोना मेरा चांदी मेरा हीरा मेरा मोती मेरा लुल्लुपुन मेरा कुन्नु मेरा मुन्नु 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 मुन्नु। तो गाइज देखिए यहाँ पे मैं रेडी भी हो गई हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसे क्या लगा ली, बंदा दी करेंगे तुम्हारे पर, ये कलर लिपस्टिक अच्छा नहीं लगता है सच में। अच्छा तो लगा था, कहीं कहाँ जाओगी ऐसे लगाओगा करके बताओ, कुछ भी बोल देती हैं। चलिए कोई बात नहीं, उनकी बात को बुरा नहीं मानते हम तो। अरे तो मैं कहाँ कह रही हूँ, इसमें मानने वाली भी बात नहीं है ना कि इसकी थोड़ी चीजों के लिए बुरा मानूंगी, बड़ी बात बोल देती थोड़ा सा लग जाता, लेकिन बोली ही नहीं हो। तो गाइज अभी पतिदेव बाहर गए हैं, देखते कब आते हैं। मम्मी अपने बहू बोली थी लगाओ बीने भाई का ब्लॉग, तो मैंने लगा दिया, देख रही हैं। वाह मेरे घर सब, मैंने ही पूजा स्टार्ट मन से यहाँ से किया था ना मम्मी, पूजा में वहाँ एक टाइम करती थी कि दो टाइम? दोनों टाइम दिया जलाती हूँ मैं। कितने टाइम करती थी वहाँ पे? दोनों टाइम। हाँ और हम मंदिर में हमेशा ऐसे सजा जाके हम भी रखते थे वहाँ पे। फिर मैं जब मेरी शादी हो गई, मैं बोली कि देखिए मेरी शादी हो गई, मेरे मंदिर को ऐसे खाली मत रखिएगा। भाभी को मैंने बोल किया था कि अब आपसे दो टाइम दिया जलाएंगी, मैं जा रही हूँ। जब शादी मेरी लग गई थी तो मैंने उनको बोला कि आपसे आप जलाओगे, क्योंकि पूजा पाठ में शुरू से ही बहुत ज्यादा करती हूँ। अरे चलो तो होता रहता है। चलिए गाइस ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं, देखते हैं शाम को क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों बाबू मेरा उठ गया, इनके हाथ से ये निकल रहा है, ये पोटी किए थे और थोड़ा सा इनको मैंने फीड कराया, फिर इसके बाद ये सो गए, फिर ये उठ गए हैं। उठ जाते हैं तो नौटंकी बहुत करते हैं, क्योंकि ये ना ज्यादा नहीं पिए थे, अब इनको भूख बहुत तेजी से लग गई है, बहुत तेजी से ना बिट्टू। हाँ किसमें? तुम्हें तो खाली करके दी थी, वही रखा था वो चीनी रहा, वो चीनी जो मन रखे रहो तो वो मिला है। उसको चीनी किसमें मिला है? पन्नी में मिला है। अच्छा पन्नी में वो कहाँ पर दूधवा? क्या दूधवा? बबुआ का दूधवा ही रहा। वाटर
यहाँ है नहीं हुआ वाला उसमें है इनको मैं शांत जहाँ पे सब कुछ बिस्किट रखा रहता है। अरे भैया पापा आ गए पापा सरप्राइज देने गए थे बड़ी सरप्राइज है को चार दिन से सरप्राइज ही दे रहे हैं पापा चार दिन से सरप्राइज दे रहे हैं बेटू चार दिन से सरप्राइज दे रहे हैं उनका कोई सरप्राइज पता नहीं चल रहा है अभी भूखे हो गए इनसे भूख नहीं बर्दाश्त होता है इनसे भूख नहीं बर्दाश्त होता है मेरे बेटू से भूख नहीं बर्दाश्त होता है भैया रो रहे हैं बेटू रो रहे हैं भैया रो रहे हैं बेटू रो रहे हैं बेटा रो रहा है बाबू रो रहा है यहाँ हो तो चार घंटा जा रहे हो चार दिन से सरप्राइज दे रहे हो तुम्हारा कौन सा सरप्राइज है कि पता नहीं चल रहा है होता है कुछ चीजें कभी आगे पीछे हो जाती हैं लेट सवेर हो जाती है लेट सवेर हो जाती है ये हो जाती है वो हो जाती है ब्रेड लाए हो तो ब्रेड हम किससे खाएंगे मुझे भूख अभी बहुत तेजी से लगी तुम्हें तो बोली ब्राउन ब्रेड लेकर के आना पूरा बोला मैंने पीने के ब्लॉग में देखा ना मलाई लगा कर मलाई वाला और उसमें होकर खा रहे थे ना तो मेरा भी मन कर दिया खाने का मलाई लगाऊं तुम्हारे लिए मलाई निकला ही नहीं तो मलाई कहाँ से खाएंगे ये ऐसे देख रहे हैं लस तो जाती है मम्मी दूध बना रही है सो गए धन धन भावे भगनियाले बाबू की सुवावेली हो बबुआ तो हरा में बसेला परनवा बड़ा नागिन हो बबुआ तो गाइस आप लोग को पता चल गया कि बाबू का नाम पीस रखना है तो आप लोग कमेंट करके ये बता देना कि पीस क्या मम्मी ने बोला कि प्रियम रख दो आप लोग बताइए कि पीसी मतलब कि थोड़ा सा यूनिक लगे मेरे और मेरे हस्बैंड के नेम से थोड़ा सा बीच में आ जाए नाम तो थोड़ा अच्छा लगेगा अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है मम्मी ने प्रियम बोला है और सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा अच्छा नाम यूनिक नेम बताइएगा कि मैं बाबू का क्या नाम रखूँ पिकनिक हद है नानी ने नाम रखा पिकनिक अरे बाबू मम्मी डरवाए तो बिटवा डर गया बेटा वाह बिटिया रानी बड़ी सयानी गिन 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 क्या लाया कुछ लाया खाने के लिए हाँ जी बता दो बता सब बाबू की जो सवा मिली बाबू बड़ा बबुआ चुप हो जा इनको निन्नी भी आ रही इनको भूखू भी लगी है ये बहुत लखड़ेदार है तो मैं इनको थोड़ा सा दूध पिला देती हूँ फिर आप लोग से कुछ ही याद में मिलती हूँ क्या हंस रहे हंस क्यों रहे हो साफ साफ बता दो अरे क्यों हंस रहा हूँ ऐसे देखो बाप बेटे का प्यार देखो किस मत क्या करो हम तो नहीं करते हैं किस निन्नी में उसको भूख लगा पोटी किया ना सो गया पोटी भी करता है ये नहीं आप नहीं करते हो ना आप तो दिन भर करते हो मम्मी मेरी करी दिन भर जावे कर ले ये जाते हैं ना कहते हमको फीलिंग आती है मुझे चैन का नींद आता है हम जाते हैं वहाँ पे चैन का नींद आता है चैन से रिलैक्स फील होता है रिलैक्स फील होता है वहाँ पे बैठ करके खूब मोबाइल चलाते हैं और मुझे अच्छा लगता है तो मैं बोली वहीं पे रहा करो फिर कैसे कपड़ा चेंज कर ली नाइटिए पहने रहेंगे क्या बता रहे हो पूरा घर साफ किए हैं पूरा किचन साफ किए हैं फिर उसके बाद बेड और सब सही किए हैं ऑस्कर देने नहीं मुझे कुछ मत दो भारत रत्न दे दे नहीं नहीं आप खुश रहो तो गाइस इसको मम्मी ठंडा हुआ दूध पिला देते हैं फिर कुछ देर में मिलते हैं लग गई थी भूख तो मैंने ब्रेड मंगा रखा है तो यहाँ पे मैं ब्रेड अरे मैं खा लूंगी भैया तू अब काट कूट के कुल देबू तो कहा हम खाए रोजा पहले हाथ हम खा ली रुक जाओ डाल दे तब से फूलत रहे फूलत रहे ला बाबू पकड़ा हम जाए दूध ले हम खाई तो गाइस पति तो जो इतने दिन से सरप्राइज कर रहे थे वो चीज मुझे पता चल गया है और बहुत ही अच्छा लगा कि वो हमारे और हमारे बच्चे के बारे में इतना सोचते हैं तो ऐसा सब मैंने तो कभी सोचा नहीं था क्योंकि वो चीज मुझे पसंद नहीं थी पर जब उन्होंने वो सरप्राइज मेरे लिए मतलब इतने दिन से जो तैयारी में लगे हुए थे वो पूरा हो गया आज कंप्लीट तो मुझे बहुत खुशी हुई
और धीरे धीरे सारे मेरे सपनों को भी पूरा कर रहे हैं। ये सपना मेरा नहीं था, ये सपना उनका खुद का था। और उसके बाद अच्छा लग रहा है ना मम्मी, आपके दामाद इतना सारा चीज कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है जो भी चीज करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, आंसू नहीं रोक पा रहे अंदर से आज खुशी है, खुशी वाले हैं आंसू। पर ऐसे पति तो सबको मिले, भगवान करे ऐसे ही पति सबको मिले और ऐसे सरप्राइज मुझे मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे, और मेरे बाबू के लिए भी मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे, है ना बिट्टू? के लिए केवल क्या, हाँ बाबू के लिए ही केवल आया है। तो गाइस आप लोग, हम तो इस ब्लॉग में नहीं बताएंगे कि वो सरप्राइज कौन सा था, मुझे पता चल गया, लेकिन आपको अमित एंड किटो जैसल के यूट्यूब चैनल पर पता चलेगा। तो वाला ब्लॉग देखना करते ही मत भूलिएगा, आप लोग जरूर प्यार दीजिएगा। और मेरा बाबू सुन रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही, पापा ने क्या सरप्राइज दिया, पापा ऐसे सबको मिले, ऐसे पति सबको मिले, बाबू को मिले हैं, मुझे मिले हैं, सबको मिलेंगे ऐसे, है ना बेटू? ये ऊपर ही देखता रहता है, बत्ती देखता है। तो बहुत ही अच्छा लगा मैंने। तो चलिए गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वाला ब्लॉग अभी जस्ट आएगा तो आप लोग जरूर देखिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग से, बाय बाय।